अस्सलाम वालेकुम क्लास टू. टुडे वी आर गोइंग टू डू सिंगुलर प्लूरल. सिंगुलर का मतलब वाहिद और प्लूरल का मतलब जमा. किसी भी एक चीज़ के लिए हम सिंगुलर कवर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल का मतलब होता है जमा, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें. सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं कि सिंगुलर प्लूरल जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं किन रूल्स के साथ हम वो बनाते हैं, क्या उसकी वजह होती है. तो रूल्स देखें. नंबर वन है यूजुअली वी ऐड एस व्हेन वी मेक प्लूरल्स लाइक दैट बैट बैट्स. नॉर्मली हम किसी भी सिंगुलर के साथ एस को ऐड करते हैं और उसका प्लूरल बना लेते हैं, जैसे कि बैट से बैट्स. रूल नंबर टू देखें. इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स ऑन एस सी एच एस एच एंड एक्स we add es when we make plurals. अगर कोई सिंगुलर नाउन ऐसे इन लेटर्स पर एंड हो रहा है जिन उनके एंड पे s आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है या x आ रहा है, तो हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं? es, मतलब उसके एंड पे हम s, c h, s h, x के वर्ड्स वाले पर हम ई एस लगाते हैं और उनका प्लूरल बना लेते हैं. जैसे देखें क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास होता है, एंड पे क्या आ रहा है? एस आ रहा है. तो हम जब क्लासेस बनाएंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे, तो हम ई एस लगाएंगे, सी एल ए डबल एस ई एस क्लासेस. एक और एग्जांपल देखें, बंच बी यू एन सी एच बंच, एंड पे क्या आ रहा है? सी एच. तो हमने क्या लगाया? ई एस बंचेस. फिर देखें ब्रश, एंड पे क्या आ रहा है? एस एच. तो हमने प्लूरल बनाया ई एस से ब्रशेस. फिर देखें बॉक्स, एक्स आ रहा है एंड पे, तो हमने ई एस लगा के बनाया बॉक्सेस. रूल नंबर थ्री वो बच्चों हम बाद में करेंगे. अभी हमने टू रूल्स किए कि नॉर्मली हम एस लगाते हैं या एस एस एच सी एच वाले वर्ड्स के एंड में या एक्स के एंड में हम ई एस लगाते हैं. सबसे पहला वर्ड है चेयर, चेयर्स, चेयर, चेयर्स. टेबल, टेबल्स, टेबल, टेबल्स. डोर, डोर्स, डोर, डोर्स. क्लास, क्लासेस, क्लास, क्लासेस. बुश, बुशेस, बुश, bushes. brush, brushes, brush, brushes. flash, flashes, flash, flashes. इसको बच्चों आपने अपनी रफ शीट, लूज शीट पर या अपनी रफ कॉपी पर आपने इसको इस तरह लिखना है, क्लास वर्क लिखना है, डेट एंड डे मेंशन करना है, सिंगुलर प्लूरल की हेडिंग देनी है, नंबरिंग देनी है और आपने ये इस तरह लिख लेना है, ठीक है, अपनी कॉपी पर. आज के लिए बच्चों इतना ही. अल्लाह हाफिज़.